आज हम इमरान खान को जब मुलाकात हुई है तो हमें थोड़ा सा सब्र आ गया है, क्योंकि 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को अंदर बंद कर दिया था और आज उन्होंने अपना बताया कि उनके साथ इन्होंने क्या किया था। क्योंकि आपको पता है कि 4 अक्टूबर को इमरान खान ने एहतजाज कॉल किया था डी चौक में, और 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को बिल्कुल इस फसताइत में रखा है। इतना इन्होंने जुल्म किया है कि जो ना का पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है, अव्वल तो यहाँ पे कानून का यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ कोई कानून के ऊपर कोई चीज़ की ही नहीं जा रही। उनको कमरे में बंद कर दिया, उनको 5-6 दिन तो उनकी ना बत्ती थी ना उनको कमरा सेल खोला गया, और हम खुद जेल काट के हैं। यकीन करें, अगर आप उस कमरे में बंद हो जाएं, वो चक्की का कमरा जो उनका है 6x10 का, उसके अंदर उनको बंद कर दिया, ना बिजली थी ना कोई अखबार था, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, ना उनको पता था बाहर क्या हो रहा है, ना किसी को मुलाकात की इजाज़त थी, ना लॉयर्स को ना फैमिली को, और उनका खाना पता नहीं उनको क्या दिया गया जो उनको फिर उल्टियाँ आई हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है। किसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जेल वालों ने हमारी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद उनकी जो साइकिल थी जो जिस पे वो वर्जिश करते हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, उसे उनकी टांग में अभी ऐसी उनकी कैफियत है कि उनको वर्जिश की बड़ी ये मेडिकली ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो साइकिल है उनके पास जिम की। वो उन्होंने 3 हफ्ते ना उनको जिम की साइकिल दी, और कोई 10 दिन के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए बाहर इजाज़त होती थी उस सेल में से निकलने की। हालांकि पाकिस्तान का कानून जो है, जेल का कानून जो है, उसमें जो सजाए मौत के कैदी भी हैं उनको भी इजाज़त है कि 12 घंटे वो अंदर रहेंगे और 12 घंटे उनको बाहर फिरने की इजाज़त है। और ये अगर इमरान खान के साथ क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये खुद खौफ में है कि इमरान खान कुछ कहना दें किसी को। लेकिन ये बताएं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, उनकी साइकिल क्यों ले ली गई, उनका खाना क्यों बंद कर दिया गया, उनके साथ इस जुल्म के जुल्म क्यों कर रहे थे? क्या वो इमरान खान को जेल में मार देना चाहते थे या उनको वहां जेल में ख़त्म करना चाहते थे? फिर ये कहते कि जी उनको कोई हार्ट अटैक हो गया। आप ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर चुप बैठे रहेंगे, हमें उन्होंने जेल में डाला, हमारे ऊपर आपको पता है कि क्या लगाया उन्होंने, कि शायद हम घरेलू खातून हैं, शायद हम अपने किचन में अपने बावर्ची खाने में बम तैयार कर रहे थे असेंबली उड़ाने के लिए। अगर कोई और दफात लगानी थी कम से कम भैंस की लगा देते, पुराने जमाने में तो भैंस होती थी, ये बम किधर से आ गए? आप याद रखें, जो हमारी नेशनल असेंबली है वो कौन सा, वो आवान किस क्या है, वो लोगों का आवान है, वहाँ पे लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं। उसके ऊपर हमला किसने किया था, रात को लोगों के नुमाइंदों को कौन उठा के ले गया था, वो हमने हमला किया था। हम तो 2 खातून अकेली एक फुटपाथ पे 5:30 बजे खड़ी थी और उन्होंने हमें अरेस्ट किया, खाली हाथ थी। उन्होंने उन्होंने कहा जी इनके हाथ में मेगाफोन था और ये वो पता नहीं क्या लोगों को उकसा रही होंगी, खाली हाथ। वो वीडियो के ऊपर भी आया होगा, क्योंकि कोई बी लॉगर माशाल्लाह आपका कोई भाई होगा जो हमारा से इंटरव्यू ले रहा था। आप हमें अरेस्ट करके ले गए, हमें भी बंद कर दिया, वो यही जो इनके डेथ सेल्स होते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन की किसी को इजाज़त थी, ना हमारे से कोई बात कर सकता था। लेकिन वहाँ पे भी मेरी बहन और मैं यही सोच रहे थे कि हमारा भाई और कई 100 और कैदी किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आगे तो फिर एक छोटा वरांडा था और एक छोटा सा सहन था कि वो किस तरह गुजार रहे होंगे। वो तो एक गली में वॉक करते हैं, उनके आगे तो बाहर कोई रोशनी भी नहीं नज़र आती, और वो 1.25 साल से इस हालत में है, और वो कितने मजबूत हैं माशाल्लाह। हम उनको देख के इतना इंस्पायर होते हैं कि उनका कितना हिम्मत और हौसला है, और वो उन्होंने किस तरह पैगाम, अभी क्या पैगाम भेजा है। आपको ये भी बताती चलूं कि हमें पैगाम आ रहे हैं कि आपके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 9-10 और FIR हैं, कोई अटक की भी है और पता नहीं और कहीं पिंडी की भी और हसन अब्दुल कहाँ कहाँ की हैं,
और आपको पता है कि जब हम जेल जहाँ जेलम जेल से निकल रहे थे तो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ मौजूद थी हमें उठाने के लिए। पता नहीं उन्होंने किस तरह फैसला किया कि शायद 2-3 दिन के लिए हमें छोड़ दिया, इससे क्या पता हमें दोबारा अरेस्ट कर ले। उन्होंने हमें यही एक किस्म की वार्निंग ही आई है कि अगर आप 10-15 दिन चुप ना रहे तो हम आपको दोबारा उठा लेंगे, आपके ऊपर हमारे पास केसेस हैं, हम आपको उठा लेंगे। तो क्या पता ये मेरी आखिरी आपके साथ बात हो, उसके बाद हम फिर शायद जेल चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है, आखिरी जो उनका पैगाम का हिस्सा था वो बता देती हूँ। उन्होंने कहा देख लें क्या आपने अंग्रेज जो जब था अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता था जब वो हिंदुस्तान के ऊपर काबिज थे, लेकिन हिंदुस्तान में इजाजत नहीं थी कि आप यहाँ पे एहतजाज कर सकें। लग यही रहा है कि जो अंग्रेजों के ही कानून के तहत लग ये रहा है कि हम भी किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं कि हमें अपने मुल्क में अपने हक के लिए खड़े होने की इजाजत नहीं है। तो आप लोग फैसला करें कि आपने चूंटों की तरह इस जमीन पे रींगना है, आपको डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, ये डर के खौफ आपके अंदर फैला रहे हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं। जो जुल्म कर जालिम होता है वो खुद डरा हुआ होता है। आपने उस जुल्म को बर्दाश्त करना है या आपने अपने हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसकी आज़ादी के लिए खड़े होना है।